हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरे प्रो चैनल। सो गाइस, तो अभी प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा कि हम किस तरह एक फॉर लूप बनाते हैं, इस किस तरह मतलब कि हम मल्टीपल टाइम इंक्रीमेंट करके हम जस्ट टू स्टेटमेंट को यूज करते हुए मल्टीपल टाइम आउटपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फॉर लूप का एक बेनिफिट था कि आपका टाइम सेविंग होता है, उससे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को आउटपुट आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हमने फॉर लूप ली, इसी तरह हमारे पास एक वाइल लूप होती है, एक डू वाइल लूप होती है, और इस तरह डिफरेंट हमारे पास लूप हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हम फॉर लूप के रिलेटेड हम वर्क कर रहे हैं, तो इसी तरह मैं अगर बात करूँ तो नेस्टेड लूप फॉर लूप क्या होती है, नेस्टेड फॉर लूप। तो मैं इसी को ही आगे मतलब कि कंटिन्यू करते हुए आपको समझाऊंगा कि नेस्टेड फॉर लूप बेसिकली होती क्या है। नेस्टेड का मतलब है कि एक कंडीशन या एक लूप के अंदर, इसी तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं आपको एक इफ नेस्टेड का बताया था कि नेस्टेड इफ क्या होती है, कि एक इफ के अंदर दूसरी इफ कंडीशन डालो। ठीक है, फर्स्ट पहले आपने एक कंडीशन चेक की, एंड देन सेकेंड टाइम गए और आपने दोबारा से इफ कंडीशन चेक की। ओके, तो इसी तरह हमारे पास क्या होती है, एक नेस्टेड लूप भी होती है। ठीक है, फॉर लूप मतलब कि एक फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप। अब मैं इसको अगर मतलब कि इस तरह का केस अगर करूँ, लेट्स सपोज आपके पास प्रॉब्लम या सिनेरियो इस तरह का है, क्वेश्चन इस तरह का है कि लेट्स सपोज आपने फाइव स्टेटमेंट मतलब कि फाइव लाइंस आउटपुट देनी है, और हर लाइंस पे 50 आपके पास क्या हो, आपके पास हर लाइन में 50 नंबर प्रिंट हो। लेट्स सपोज मेरे पास, जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं कमेंट लगाता हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक कमेंट लगाऊँ, तो एक मिनट में कमेंट के अंदर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये लाइन नंबर वन है, ओके, लाइन वन है, और लाइन वन में क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि आपने क्या करनी है कि आपने यहाँ पर 50 क्या करने हैं, 50 नंबर प्रिंट करने, इसी तरह लेट्स सपोज 90 से लेकर अप टू 50 तक। ओके, इसी तरह आपने क्या करना है कि लाइन नंबर टू है हमारे पास, और इसी तरह मतलब शो हो। ठीक है, स्नैरियो इस तरह का है कि आपने सबसे पहले लाइन नंबर वन, फिर लाइन नंबर टू, लाइन नंबर थ्री, लाइन नंबर फोर, अप टू 5 तक आपने क्या करना है कि आपने जस्ट इस तरह प्रिंट करवाना है। तो आप क्या स्नैरियो होगा, अगर मैं पहले बात करूँ तो वो तो जस्ट इस तरह होता था ना कि मैं बात करता हूँ कि जस्ट आपने इस तरह मतलब कि ये आप जस्ट प्रिंट कर रहे थे। ठीक है, ये 1 से लेकर 50 तक आप प्रिंट करवा सकते थे। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, आप इजिली प्रिंट करवा सकते थे 1 से लेकर 50 तक। ओके, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब लेट्स सपोज मेरे पास स्नैरियो कुछ इस तरह का है कि आपने 5 लाइंस को प्रिंट करवाना है, और उसके हर लाइंस के सामने कितनी नंबर आने चाहिए, अप टू 50 तक आने चाहिए। तो इसका स्नैरियो अब क्या है, उसके लिए हमेशा अगर मैं सिंपल में बात करूँ ना, 1 से लेकर 20। अब लेट्स सपोज मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे मैं बाहर में लिखता हूँ। ओके, अब लेट्स सपोज मैंने जस्ट क्या करनी है कि ये 50 अगर मैं जस्ट यहाँ से यहाँ तक बात करूँ, 1 से लेकर 50 तक, वो तो प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं अभी ये ट्राई करता हूँ। ओके, फॉर लूप लगाई, एंड फॉर लूप, एंड यहाँ पे जस्ट मैं क्या करता हूँ कि इंट आई इज़ इक्वल टू 0, एंड आई लेस देन मैं बात करता हूँ यहाँ पे 50। ओके, एंड यहाँ मैंने किया आई प्लस प्लस किया। ओके, आई प्लस प्लस किया, और जस्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी आउट करता हूँ, एंड सी आउट मैंने क्या किया कि अब यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स आ जाते हैं। ठीक है, या मैं यहाँ पे जस्ट आई भी कर सकता हूँ, लेकिन वो इंडेक्स वाइज मैं आपको अरे का भी बताऊंगा, लेकिन वो फर्दर कुछ वीडियोस के बाद, क्योंकि वो भी हम फॉर लूप में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब हम अरे की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें काफ़ी हमें हेल्प मिलती है, ये भी मैं आपको अरे के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लूप्स के ऊपर, नेस्टेड फॉर लूप्स के ऊपर देखिए कि मैं किस तरह, सबसे पहले मैं अगर सिंपल बात करूँ कि फॉर लूप की, वो उसमें मैं जस्ट क्या करता था कि आई लेता था, ठीक है, और प्लस 1 लेता था, और यहाँ पर मैं जस्ट क्या करूँगा कि जहाँ पे मैं जस्ट कुछ स्पेस डाल दूंगा। ठीक है, पहले मैं एंडल करता था, लेकिन वो डायरेक्ट नीचे एक फॉरवर्ड लाइन चल जाती थी, जबकि अब क्या होगा कि अब मैं इस तरह करूँगा कि फॉर लाइन इस तरह डाली, एंड यहाँ पे आपने ब्रैकेट डाल दें, अदरवाइज नहीं डालनी तो तब भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप फॉर लूप की ये ब्रैकेट डाल दें, एंड यहाँ पर इसे क्लोज कर दें, और फॉर लूप की ब्रैकेट के बाहर आप क्या लिखते हैं, सी आउट, एंड यहाँ मैं लिखता हूँ एंड एल। ओके, तो कंट्रोल एस किया, एंड देन आप मैं चेक करें, आप अभी देख सकेंगे कि ये किस तरह प्रिंट करेगा, जस्ट 1 टाइम प्रिंट करेगा 1 से लेकर 50 तक। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन किया, तो ये आप अभी देख सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक आपके पास प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब मैं जस्ट क्या करता हूँ कि जस्ट इवन नंबर आपके पास क्या हो, कि जस्ट आप कहते हैं कि जस्ट इवन नंबर आपके पास प्रिंट हो, तो फिर आपने क्या करना है,
तो वहां पर आपने जस्ट क्या लिखना है, जहां पे देखें आई प्लस प्लस लिखा हुआ है, आपने अगर इंक्रीमेंट के कुछ ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं, मैंने जस्ट इंक्रीमेंट के प्लस प्लस और माइनस माइनस बताए थे, और आपको इस तरह भी बताया था कि आप प्लस इज इक्वल टू अगर तो टू करते हैं, अब जैसे कि हम पहले वन वन कर रहे थे, अब इसका क्या मतलब है कि अगर जो मैंने अभी जो लिखा है इसका मतलब है हमारे पास, मैं अगर जस्ट अगर सिंपल समझाने की कोशिश करूँ, आई इज इक्वल टू आई प्लस टू, ओके पहले प्लस वन कर रहे थे आई इंक्रीमेंट, अब मतलब कि अब टू हर दफा जब लूप वापस आएगा फॉर लूप के पास, मतलब कि ये एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद वो आई में टू करेगा, मतलब 2 4 6 8, तो अब जो प्रिंट होगा हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट टाइम आप देख सकते हैं कि आई की वैल्यू लेट्स सपोज अभी यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम मैं बात करता हूँ वन से, इस तरह मतलब कि डिफरेंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है, तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। तो अब मैं जस्ट क्या करता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 1357 एंड अप टू 49 हमारे पास प्रिंट हो रहा है, मतलब दो दो इंक्रीमेंट करके। क्यों ये दो दो कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू वन ली है, अगर मैं इसमें वन ऐड करना छोड़ देता हूँ तो ये होगा 0 2 4 6 8, इस तरह की वैल्यू अपलोड हो मतलब के इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आई प्लस यहाँ पे भी टू कर देता हूँ, मतलब कि 2 4 6 8 से स्टार्ट हो, क्योंकि पहले मैं वन ले रहा था, वन क्यों ले रहा था, क्योंकि हमारे पास हम जस्ट एक एक को हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब हम 25 को हैंडल करेंगे, क्योंकि 2 4 6 8 करेंगे, तो इस तरह की चीज़ आप समझें, ठीक है। तो ये तो जस्ट सिंपल था कि मतलब कि एक हमारे पास फॉर लूप है, और मैं यहाँ पे बस जैसे कि मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो जस्ट इवन नंबर हमारे पास एग्जीक्यूट होंगे, ये देख सकते हैं आप 2 4 6 8 12 अप टू 50 तक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि साथ सिंपल सी बात है कि अब जस्ट क्या हो कि हर लाइन नंबर भी बताए, और हर लाइन नंबर अब 5 लाइन नंबर के आगे 2 से लेकर 50 तक आपके पास प्रिंट हो, तो अब वो नेस्टेड लूप आता है, वो फॉर लूप के अंदर फॉर लूप आती है, ये आपने सिंपल कॉन्सेप्ट रखना है। अब जैसे कि मैं लेट्स सपोज, अब क्या होता था कि पहले मतलब के जीरो मतलब के टाइम से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कंडीशन अंदर वाली फॉर लूप के अंदर कंडीशन चली पूरी की पूरी कंप्लीट हुई, एंड देन आपने दोबारा से फिर अब दोबारा से गए फॉर लूप के पास, ठीक है, और उस टाइम क्या हुआ कि जीरो की जगह अब टू आ गया, क्योंकि इंक्रीमेंट टू का हुआ, फिर टू टाइम चला और फॉर के अंदर जितनी भी कंडीशन थी वो कंप्लीट कंप्लीट चलेंगी, एंड देन दोबारा से ऊपर आई फॉर लूप के पास, एंड देन इस दफ़ा 2 प्लस 2 हमने जब किया तो 4 आ गया, आई की वैल्यू भी 4 है, तो जब 4 हुई तो दोबारा से फिर कंप्लीट ये चलेगी कंडीशन। इसी तरह आप क्या करना है कि फॉर लूप के अंदर जैसे ही हम फॉर लूप लगाते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इंट, यहाँ पे मैं आई की वैल्यू जो जे की वैल्यू लेट्स सपोज लेता हूँ, जे इज इक्वल टू 0, एंड लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सेमी कॉलम, एंड जे इज लेस देन मैं यहाँ पे 5 कहता हूँ, ठीक है, तो 5 एंड यहाँ पे कहता हूँ जे एंड प्लस प्लस, ओके, तो जे प्लस प्लस बोला और जैसे ही मैंने इंटर किया तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज सी आउट, देखिए यहाँ पे सी आउट लिखा, सी आउट लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ लाइन, ओके लाइन, और ये डाला और यहाँ पे बाहर आया, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ जे प्लस वन, और सिंपल मैंने जे प्लस वन किया, एंड जे प्लस वन करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ स्पेस डाल देता हूँ, एंड सेमीकॉलन, एंड डालने डालता, क्योंकि जैसे कि हमने ये ऊपर किया हुआ उसी तरह हम कोशिश करेंगे कि नीचे भी हो, ओके, तो ये सिंपल सा स्नैरियो है, और एंड पे जाके वो एंडल कर देगा, और लाइन नंबर हर दफ़ा इंक्रीमेंट होगी, 5 दफ़ा इंक्रीमेंट होगी, और उसके सामने ये जैसे कि मैंने 1 2 3 अप टू लिया हुआ है, तो अब क्या होगा 2 4 6 8, क्योंकि मैंने अब 2 टाइम इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, अदरवाइज आप जस्ट यहाँ पे आई प्लस इज इक्वल टू 2 जो आपने फॉर लूप सेकेंड फॉर लूप के अंदर लगाई वो आप जस्ट रिमूव करके आप लगा सकते हैं, ओके okay? तो मैं अब क्या करता हूँ, इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो ये क्या आउटपुट देगा, ओके, तो ये लाइन नंबर 1 2 3 4 अप टू ये क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं लगाया, ठीक है, ये आप दोनों को अलग अलग कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके लिए क्योंकि एक तो चले हैंडल कर लेंगे हम अगर तो सिंगल हम फॉर लूप के अंदर लगाते हैं, लेकिन जब सेकंड हम की हम बात करते हैं, अगर दोनों को हम इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या होगा कि लाजमी आप जैसे देखें ये फॉर लूप अब ये पूरी की पूरी बाहर जाके हमारे पास यहाँ पर जाके एग्जीक्यूट, ठीक है, ख़त्म होगी, तो मैं यहाँ पे जस्ट ये फॉर लूप आपने क्लोज कर दी, ठीक है, तो ये देखें स्टार्टिंग आपके पास यहाँ पे हो रही है फॉर लूप, और एंडिंग जो हो रही है वो यहाँ पे हो रही है, आपने इस ब्रैकेट्स का लाजमी ख्याल रखना है, जैसे कि आप ओपन कर रहे हो उस तरह क्लोज कर, आप ये आप खुद देख सकते हैं इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है हमारे पास ये वाली, ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये वाली फॉर लूप है, इसका क्या मतलब है कि जैसे ही जे की वैल्यू जीरो होगी तो ये क्या होगा कि ये वाली की पूरी ना फॉर लूप चलेगी, एक टाइम ये सी आउट चलेगा, ठीक है, और ये कितने टाइम चलेगा, ये 25 टाइम चलेगा, ठीक है, 25 टाइम, क्योंकि हम 2 2 टाइम इंक्रीमेंट कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये 25 टाइम ये पूरी की पूरी फॉर लूप चलेगी, जिसमें 2 से लेकर 50 तक ये आउटपुट देगा। इसी तरह एंड एल मतलब कि नेक्स्ट लाइन पे आया, अब दोबारा से जब ऊपर आया तो अब जे की वैल्यू क्या होगी, 1 इंक्रीमेंट एंड 1 होगी वैल्यू। अब दोबारा से 25 टाइम ये क्या चलेगा, फॉर लूप चलेगा। इसी तरह दोबारा जब ऊपर आया तो आई जे की वैल्यू क्या होगी, अब 2 होगी। एंड देन सिमिलरली इसी तरह ये फॉर की लूप जो अंदर वाली है वो 25 टाइम चलेगी, इसी तरह ये फॉर लूप एग्जीक्यूट करती है। ओके, तो मैं अब जस्ट क्या करता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो आप ये भी देख सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइन नंबर 1 है, तो ये देखिए लाइन नंबर 1, 2 एंड 3, 4, 5 और 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 4, 6, 8, 12। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं कि आप मतलब किस तरह ये वैल्यू दे सकते हैं। अदरवाइज ये हम जब मैट्रिक्स की बात करते हैं, जब हम यूजर से वैल्यूज लेंगे, वो भी हम इसी तरह इनपुट करवा सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम मैट्रिक्स, आप अगर मैथ का पता हो कि मैट्रिक्स में हम किस तरह वैल्यू रो और कॉलम वाइज दे के इनपुट लेते हैं, इस तरह हम फर्दर वीडियोस में भी करेंगे। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट मिला होगा, कि पता चला होगा कि नेस्टेड फॉर लूप क्या होती है, फॉर लूप के अंदर जब हम फॉर लूप लगाते हैं, ये कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए और अच्छी मतलब के आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपने कुछ कोशिश करनी है। मैंने आपको पाथ दे दिया है, अब आपने जस्ट इसको क्या करना है कि अपनी तरफ प्रैक्टिस करनी है, जितनी मर्जी आप इस पर करेंगे, जितना मर्जी सर्च करेंगे, इससे हेल्प लेंगे, तो आपका फर्दर आपकी नॉलेज उतनी इंक्रीमेंट होती रहेगी। सो गाइस कीप वॉचिंग एंड स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़।